இந்திகரத்தனை ஆணை முகத்தனை இந்தின் இளம்பிரை போலும் ஏற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே. பூழியற்கோன் விற்பொழித்த புகழியற்கோன் கடல் போற்றி ஆழிமிசை கல்மிதப்பில் அணிந்தவிரான் அடி போற்றி வாழி திருநாவலூரர் வன்தொண்டர் பதம் போற்றி ஊழிமலி திருவாத ஊரர் திருத்தாள் போற்றி. நிர்பதி ये लखा बाबा से आगे जाते ही दो फैक्ट्रियों के बीच से ये रास्ता पड़ता है. वो इस लेफ्ट हैंड साइड तब दाहिने तरफ रास्ता पड़ता है दो फैक्ट्रियों की दीवार के बीच से. तो उधर का ये रास्ता है. हमें पीछे एक व्यक्ति मिले थे, नाम अभी याद नहीं आ रहा है, अभी बाद में उसमें आपको कमेंट नंबर और उनका वो भी ऐड कर दूँगा फ़ोटो के साथ. तो उन्होंने मैप बना के भी दिया कि कैसे कैसे जाना है, उन्होंने बना रखा है. हमने फ़ोटो भी खींची, वो मैप भी अब ऐड कर दूंगा मुझे भूतनेश्वर जाने के लिए. तो बीच में थोड़ा जंगल पड़ता है, झाड़ी इस तरह की. तो उन्होंने एकदम अच्छा सा बना रखा है और बहुत सेवा भाव है. उनके पास टाइम नहीं था वरना वो छोड़ने भी आ जाते, मगर उन्होंने मैप दिखा दिया, उतने से ही काम चल जाएगा. और नंबर भी दिया है कि कोई भी दिक्कत हो तो आप आ सकते, फ़ोन कर सकते हो. नर्मदे है नर्मदे, हम तो उसी मैप के हिसाब से आगे बढ़ते हैं. नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है. ये आगे शमशान है और आगे उसके आगे ये समुंदर में जाने का रास्ता तट तक, और इस तरफ आगे का रास्ता नर्मदे नर्मदे है. ये शमशान घाट है और उसके आगे समुंदर है, और समुंदर के तक जाने के लिए ये रास्ता पुल नर्मदे है. जो बड़ी जहाज़ें आती हैं वो उसके लिए ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो पानी इतना ज़्यादा नहीं आता कि वो किनारे तक आए, तो इसलिए ये काफ़ी दूर तक बनाते हैं ताकि गहरे पानी तक ये पहुँच जाए. नर्मदे है नर्मदे है, उसके किनारे से ये रास्ता है. नर्मदे है नर्मदे है, भूतनाथेश्वर जाने के लिए नर्मदे है नर्मदे है. ये समुंदर तक जाने का रास्ता ऊपर से नर्मदे है नर्मदे है. दूर तक ये गया हुआ है रास्ता, ये काफ़ी दूर तक गया है ताकि समुंदर में बड़ी बोटें नावें जहाज़ों से तक जाया जा सके. नर्मदे है नर्मदे है, हमें इसके नीचे से ही जाना है. नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है. अब हम समुद्र की किनारे किनारे चल रहे हैं. इस समुद्र की पंचकोसी पैकमा के नाम से भी जाना जाता है. नर्मदे नर्मदे नर्मदे, ये फेंस के अंदर से जाना है. ये एकदम ठीक जो उन्होंने नक्शा बनाया था वैसे ही एकदम ठीक ये है, एकदम सेम रास्ता उन्होंने ऐसे ही बनाया था कि बाढ़ लगी हुई है, बाढ़ के अंदर से किनारे किनारे जाना है. मतलब नक्शा एकदम सही, जिससे आदमी देख के समझ सके वैसे ही है. नर्मदे है नर्मदे है, मैंने तो जब वो नक्शा समझा रहे थे तभी देखा था, पर इतने अच्छे से समझाया उन्होंने कि वो सारी चीज़ें मिलती जा रही हैं तो दिखती जा रही हैं. ये इस तरह के तीन पुल मिलेंगे, पहला ये, दूसरा वो दिख रहा है, और तीसरा उसके आगे जो केवल पत्थर का ही है, इस तरह का नहीं है. तो उन्होंने इतने अच्छे से समझाया है कि नक्शा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है. नर्मदे है नर्मदे है, जो जो उन्होंने बताया वो सारी चीज़ आती जा रही हैं. वहाँ से लखा महाराज के यहाँ से भूतनेश्वर महाराज महादेव का मंदिर 5 किलोमीटर पड़ता है. नर्मदे है नर्मदे है, ये रास्ता भी एकदम सही साफ है,
मिट्टी का है तो चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, एकदम साफ़ है, कांटे वटे भी नहीं है, तो आराम से चल रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। सड़क पे चलने में दिक्कत होती है क्योंकि अभी चप्पल नहीं, नंगे पाँव ही चल रहे हैं। नर्मदे है। तो ये मुलायम मिट्टी बहुत आनंद दे रही है। नर्मदे है। अक्सर ऐसे वीरानों में मैं अकेला ही पड़ता हूँ। नर्मदे है। पर ये बहुत अच्छी जगह है, हवा तेज चल रही है इसलिए धूप नहीं लग रही है, और रास्ता भी एकदम साफ ही है मिट्टी का, और कांटे भी नहीं है, किनारे पे बाड़ लगी हुई है, आगे इधर समुद्र है। नर्मदे है। हम समुद्र की ही पंचकोसी पैकमा कर रहे हैं, हालांकि हमारी पैकमा पंचकोसी नहीं है, ये नर्मदा पैकमा के अंतर्गत ही आती है। अगर हम पंचकोसी पैकमा करेंगे तो हमें हरिधाम तक वापस जाना पड़ेगा, पर हम पंचकोसी नहीं कर रहे हैं, हम इस मार्ग से जा रहे हैं। नर्मदे है जो आगे जाके नर्मदा पैकमा वाले में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ ढेर सारे तीर्थ हैं जो छूट जाएंगे, इसलिए हम इस तरफ जाके पूरे कर रहे हैं। नर्मदे है क्योंकि बोट जो है उसे मीठी तलाई पर ही उतरना पड़ता है, और मीठी तलाई से इस तरफ के सारे तीर्थ छूट जाते हैं अगर इधर नहीं आते हैं। तो हम मीठी तलाई से इधर हरी धाम से परशुराम और लखा बाबा भूतनेश्वर होते हुए दूधेश्वर और मखनेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे, फिर आगे घूम के पहुंच जाएंगे दहेज, वहीं से फिर नर्मदा पैकमा जुड़ जाएगी। नर्मदे है। पहले के लोग सारी पैकमा इधर से ही करते थे, पर अब लोग सोचते हैं कि इधर से लंबा पड़ेगा घूम के जाने, इसलिए वो मीठी तलाई से ही आगे बढ़ जाते हैं। नर्मदे है। ये फ्रेंड्स यहाँ ख़त्म होती है, और उसके बाद ये हम अंदर जाते हैं जंगल के, फिर जंगल से थोड़ा सा किनारे ही से फिर से शुरू हो जाएगी। நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே. கூழியற்கோன் வெற்பொழித்த புகழியற்கோன் கடல் போற்றி ஆழிமிசை கல்மிதப்பில் அணைந்த விரான் அடி போற்றி ये बबूल का जंगल है, और बबूल कांटों के लिए ही फेमस है, और सही टाइम पे चप्पल नहीं है। नर्मदे है। ये सहयोग बड़ा आनंददायक है सोचने में ही, क्योंकि जब जंगल में जाना हुआ तभी चप्पल गायब हो गई, मतलब गायब नहीं, हमने छोड़ी ही है मगर अभी नहीं है। नर्मदे है। पर हमें मैया के सदृश ही चलना है, जैसे मैया चाहे वैसे ही करना है, वैसे ही रहना है, वैसे ही चलना है। नर्मदे है। क्योंकि हम अपने हिसाब से तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, तो जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा मैया की कृपा मान के वैसे ही करते रहना चाहिए। नर्मदे है। देखिए बबूल का जंगल है ये, पर मैया की कृपा ऐसी है कि कांटे बिल्कुल भी नहीं हैं, पर उतने नहीं, फिर भी बहुत ज़्यादा साफ़ है। नर्मदे है। वरना पूरा बबूल का ही पूरा जंगल है। नर्मदे है। आगे ये गेट लगा हुआ है। नर्मदे है।
हरे हरी धाम। यहाँ पे ये रस्सी डोरी बंधी है, जब ये रास्ता बंद मिले तो ये प्राइवेट वो है जगह दहेजा जो भी है, तो इसको आप घंटी खींचेंगे रस्सी तो वो उधर से गार्ड आएगा और ये ताला खोल के आपको आगे का रास्ता बताएगा। नर्मदे है। वो प्रबंधित नर्मदे है, ये प्रबंधित क्षेत्र एरिया है, तो यहाँ पे शूटिंग भी नहीं कर सकते हैं और एंट्री नहीं कर सकते हैं कोई भी, पर ये पैकमा वासियों के लिए जो दर्शन के लिए जाना चाहते हैं भूतेश्वर में, वो केवल उनकी एंट्री हो सकती है। नहीं तो जिसका काम नहीं है वहाँ पे वो नहीं जा सकते हैं। बस केवल पैकमा वासियों के लिए छूट है कि वो उधर से इस तरफ आ सकते हैं तो आगे जा सकते हैं। नर्मदे है। और जैसा कि बताया वो घंटी लगी हुई है, वो डोरी खींचते ही घंटी बजेगी तो उधर के गार्ड्स जान जाएंगे कि कोई पैकमावासी आया है, क्योंकि और कोई आता नहीं है और किसी के लिए अलाउ भी नहीं है, लॉक लगा रहता है। जब पैकमावासी आते हैं तो उन्हीं के लिए ताला खोल दिया जाता है। नर्मदे है। और उसके सामने से ही ये रास्ता है। नर्मदे है। देखिए ये बोर्ड उन्हीं का लगाया हुआ है, उन्होंने कहा था कि इस रास्ते से बाहर निकलेंगे तो पीले रंग का बोर्ड मिलेगा, ये भूतनाथ महादेव। अच्छा, भूतनाथ महादेव भूतनेश्वर। अब इस पगडंडी से किनारे किनारे जाना है, इस तरफ समुंदर है, यहाँ से काफ़ी दूर है वो ब्रिज, काफ़ी लंबा तट, और हमें अभी इस तरफ से जाना है। नर्मदे है। हम अभी ऐसे क्षेत्र में घूम रहे हैं जो प्रतिबंधित है, जहाँ पे केवल पैकमावासी या वहाँ के काम करने वाले ही जा सकते हैं, और आप लोग भी अब अपने घर बैठे ये सब देख सकते हैं। नर्मदे है। यहाँ की मिट्टी भी बहुत मुलायम है और चप्पल न पहनने की वजह से जो मुलायम में चलने का आनंद मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि चप्पल न पहनने की वजह से मैया मिट्टी को रास्ते को इतना मुलायम कर दिया कि आनंद आ गया। एकदम मुलायम मिट्टी है, पैर रखते ही ऐसा लगता है कि गद्दे पे चल रहे हैं, मुलायम। देखिए एकदम मुलायम मिट्टी है। वाह वाह वाह, जय हो मैया। हो सकता है इस पल का आनंद लेने के लिए, इसका सुख समझने के लिए ही चप्पल उतर गई है, क्योंकि चप्पल पहन के चलने में इसका ये धसेगी वो आनंद नहीं आएगा। जो मिट्टी की मुलायमता है जो पैरों में लग रही है, उसका भाव जो है वो समझ में नहीं आएगा, पर अभी बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि काफ़ी पत्थर गिट्टी कंकड़ चुभ चुके हैं, अब जब इस मुलायम मिट्टी में चल रहे हैं तो बहुत सुख मिल रहा है। जैसे कहते नहीं कि जब तक खूब कड़ी धूप ना हो तो छांव का आनंद नहीं आता है, तो वैसे ही अब इस मुलायम मिट्टी में चलने का बहुत आनंद आ रहा है। नर्मदे है। इसीलिए जब कभी दुख हो या कोई भी मुसीबत हो या दिक्कत हो, कष्ट हो, तो उसको ये समझना चाहिए कि जब इसे झेल लेंगे तो इसके बाद हमें बहुत सुख मिलेगा। नर्मदे है। ऐसा मान के हमें उन कष्टों को, दुखों को शांति से, प्रेम से पार कर लेना चाहिए। नर्मदे है। बहुत बड़ा एरिया, एकदम खाली सुनसान। नर्मदे है। ये दूसरा बोर्ड, उन्होंने बोर्ड इसीलिए लगा रखा है कि कोई भटके नहीं। नर्मदे है। ये नाला छोटा सा है, सूखा है। नर्मदे है।
यहाँ पे पगडंडी भी नहीं बनी है क्योंकि कोई आता जाता नहीं है। मतलब अगर लकड़ी काटने वाले आए तो आए, नहीं तो नहीं। ये देखिए तीर का निशान भी बना हुआ है। मैंने सोचा ये पत्थर ऐसे कैसे किसने रखे हैं यहाँ पे अचानक, तो देखिए ये तीर का निशान बना है, ना कि पत्थर पड़े हैं। नर्मदे नदी है, इस तरफ जाना है क्योंकि यहाँ पगडंडी नहीं बनी है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। और जो ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा होगा आपको, ये खारा पानी सूख जाने के बाद का है, नमक। क्योंकि जब समुद्र का जो आता है पानी तो यहाँ भी आ जाता होगा, क्योंकि ये उसी के निशान है। समुद्र का जल जब सूख जाता है तो ऐसा ही हो जाता है, होगा नमक नमक। नर्मदे, यहाँ से अब वो दूर एक सफ़ेद झंडी दिख रही है, एक सफ़ेद ऊँची और एक छोटी। उन्होंने ऐसे ही बताया था कि जब आगे जाओगे तो वहाँ से एक सफ़ेद रंग की ऊँची पेड़ में बंधी हुई एक नीचे झंडी दिखेगी सफ़ेद रंग की, तो बस उसी तरफ जाना है। नर्मदे नर्मदे जैसा ही उन्होंने बताया, मैप बनाया था, सेम वैसे ही है। और जैसे ही उन्होंने समझाया, एक ही बार समझाया, बहुत अच्छे से समझाया कि बहुत आराम से मिल गया है। कुछ भी हमको ना पूछना पड़ा, ना दोबारा मैप देखना पड़ा, सीधा सीधा एकदम आनंददायक आनंद आ गया। नर्मदे नर्मदे बहुत दूर से झंडी दिख रही है, आपको शायद नहीं दिख रही होगी, कैमरे में नहीं दिख रही होगी क्योंकि आँखें वो चीज़ देख लेती है जो कैमरा नहीं देख पाता, वो भाव। नर्मदे नर्मदे ये झाड़ियाँ भी है बबूल की, पर अभी ये इस मैदान में ऐसा लग रहा है कच्छ के मैदान में घूम रहे हैं। नर्मदे 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 नर्मदे। मैं कभी कभी आश्चर्य भी होता है, बड़ा आनंद भी आता है कि ऐसी जगहों पे मैं पहुँच जाता हूँ जहाँ एकदम अजीब और अलग होती है, जहाँ पे कोई नहीं होता ज़्यादा करके, और दूर तक चीज़ें खाली होती हैं, शांत होती है या अनोखी होती है। ये भी वैसी एक जगह में से एक है। नर्मदे नर्मदे बबूल की झाड़ियों का, बीच में मुलायम मट्टी का मैदान है, एकदम मुलायम है। आप इन मट्टियों को देख सकते हैं, पैर रखने में ऐसा लगता है कि गद्दे पे चल रहे हैं। मैया यही एहसास दिलाने के लिए, मैया ने शायद इसका आनंद दिलाने के लिए ही चप्पल उतरवा दी। अब आगे जाके देखेंगे कहाँ मिलेगी, पर यही आनंद वही सुख महसूस कराने के लिए ही मैया ने चप्पल उतराई है, क्योंकि मैया जानती है कि मार्ग में सब चीज़ का अगर मिलना के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है, तो अगर हम चप्पल पहने होते तो इसका सुख नहीं ले पा रहे होते जो इसमें चलने का आनंद आ रहा है। वाह जय हो मैया। बहुत मुलायम मट्टी, बहुत एकदम जब मैं डिस्कवरी पे बियर गिल्स को देखा करता था तो अक्सर अकेले ही दिखाई देता था क्योंकि कैमरे के सामने ही होता था, और ऐसी ही जगहों पे, वीरान जगहों पे, अनोखी जगहों पे वो जाया करता था जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं होता था, जंगल मैदान, इस तरह की शांति खामोशी। नर्मदे नर्मदे तो मुझे भी लगता था वह एडवेंचरस जगह है, रोमांचकारी जगह है, जाना हो जाने को मिले तो कितना आनंद आए। तो वो सारे एडवेंचर और सारी ख्वाहिशें मैया की महिमा में ही पूरी हो गई, क्योंकि हमने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ मिला, अनोखी चीज़ें देखने को।
नर्मदे है। और अभी तो परिक्रमा बहुत सारी बाकी है, बहुत कुछ देखना है, बहुत आनंद उठाना है। ये परिक्रमा अब मुझे तो नहीं पता किस कौन किस भाव से क्या सोचे क्या कैसे करता है, मगर मेरे लिए आनंद ही परिक्रमा है। इस परिक्रमा में सिर्फ आनंद ही मिला है हर तरीके से, वो चाहे रोमांच हो, चाहे भाव हो, सम्मान हो, भोजन हो, व्यवस्था हो, हर चीज़ का सिर्फ आनंद ही मिला है। तो ये आनंददायी परिक्रमा है, इसीलिए इनकी आरती में जगदानंदी जय आनंद कंदी कहा जाता है। ये देखिए एक तीर का निशान और मिला। क्योंकि वो आनंदी इसीलिए कहा जाता है आनंद कंदी, कि इसकी इनकी परिक्रमा करने पे नर्मदा जी के सिर्फ आनंद ही मिलता है। बस अपना भाव मैया के लिए बना रखे, भक्ति भाव प्रेम, और हमेशा महसूस करे कि मैया तुम्हारे साथ ही है। और सारे परिक्रमावासी को अधिकतर के मैंने अनुभव सुने हैं, सबको वो इस बात का एहसास दिलाती रहती हैं कि मैया उनके साथ ही हैं, मैया उनके साथ ही हैं। कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी समस्या हो, कोई भी हो, और मन का आनंद हमेशा बनाए ही रखती हैं, चाहे जैसी परिस्थिति हो। नर्मदे है, नर्मदे है। तो ये आनंददायी परिक्रमा बहुत ही आनंददायी है और रोमांचकारी भी है, दर्शनीय भी है, सब कुछ है। इस परिक्रमा को पूरा करने में ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, मन की शांति भी। देखिए ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप कभी और कुछ सोच ही नहीं सकते, सिर्फ सामने के दृश्य को देखने के अलावा। नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए दूर दूर तक कोई नहीं है, मैदान है, झाड़ी है, जंगल है, समुद्र का किनारा भी है इसके आगे। देखिए चारों तरफ कोई नहीं है, एकदम खाली। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। तो ये दुनिया से काट देती है, अलग हो कर देती है। नर्मदे है, नर्मदे है। जहाँ हम अध्यात्म से जुड़ने के लिए अभ्यासगत हो जाते हैं, नर्मदे है, नर्मदे है। जब संसार से कटते हैं तब भी अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, और ये परिक्रमा में ये बहुत होता है कि जब हम संसार की सोच से, चीज़ों से मुक्त होते हैं, विषयों से मुक्त होते हैं, तभी अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, भक्ति की ओर बढ़ते हैं, संभव की ओर बढ़ते हैं। और देखिए ऐसा ही पल है इस परिक्रमा में, ऐसे पल बहुत सारे आए जो हम एकदम एकांत में रहे हैं, चले परिक्रमा की है, और अपने को मैया से और अध्यात्म से जुड़ा हुआ अनुभव किया है। नर्मदे 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 नर्मदे। जी इस सब जो ईंट पत्थरों का पुल आता है, ऊंचा पुल नहीं है, रास्ता है, आगे जो समुद्र की तरफ गया है वहीं से चढ़ के ये आगे जाना है। यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है एक भूतनाथ भू महादेव का। नर्मदे है, नर्मदे है। इस सब जाना है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये निशान पत्थरों पे नर्मदे है, नर्मदे है। ये भूतनाथ महादेव का बोर्ड लगा है। यही प्रणयी नंदी मगंदनई ज्ञान कोळुंदिनई
குந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே. देखिए ये जंगल है एकदम, दो तीन छोटी सी कुटिया बनी हुई है। नर्मदे है नर्मदे है। आप इस जंगल में बहुत रोमांच फील कर सकते हैं क्योंकि मुझे बहुत ही रोमांच आ रहा है। ये जंगल अक्सर मैं हॉलीवुड की मूवियाँ ज़्यादा देखता हूँ जो एडवेंचरस होती हूँ, तो ये वैसे ही कुछ जंगल है। देखिए एक अजीब सा सन्नाटा भी है, जंगल भी ऐसे ही है, फिल्मी जंगल लग रहा है जैसे एडवेंचर वाले जंगल होते हैं फिल्मों में दिखाते हैं ज़्यादा करके हॉलीवुड की। और नाम के हिसाब से सूट कर रहा है, भूतनाथ महादेव। नर्मदे है नर्मदे है। तो जगह के नाम से ये जगह एकदम मैच भी कर रही है। जब आप वीडियो देखोगे तो बहुत ही रोमांच भी आएगा क्योंकि ये जंगल बहुत रोमांचकारी लग रहा है। नर्मदे है नर्मदे है। और जब आप अकेले चलोगे तो ज़्यादा रोमांच आएगा। नर्मदे है நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை குந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே. கூடியற்கோன் வெற்பொழித்த புகழியற்கோன் கடல் போற்றி. உன்கா நாம் ஹே பூத்நாத் மகாதேவ். ஓ இக்தம் பர்ஃபெக்ட் மேட்ச் கத்தா ஹுவா. அவரூரர் வந்தொண்டர் பதம் போற்றி. क्योंकि जंगल भी रोमांचकारी ही है, रास्ता भी रोमांचकारी है। बबूल के ही कांटे चारों तरफ बबूल बबूल हैं। और मैया ने परीक्षा के लिए ही कह सकते हो या जो भी कारण रहा हो चप्पल उतरवा दिए हैं। और नंगे पांव इस बबूल के जंगल को जो ऐसा दिखता है वहाँ से होके जाना है। मैंने तो सोचा भी नहीं होगा कभी, या आपने भी ना सोचा होगा कि हम ऐसी जगह पे जाएंगे। नर्मदे है नर्मदे है। कि जो जंगल मिलेगा वो भी मैचिंग का मिलेगा भूतनाथ। पाडल पतुम परवी पणिंदे तवलार विनपुणै मेलुलगम विरुम्बेदुवर वीडलिदे இளம்பிரை போலும் ஏற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான குந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்ற ஜங்கல் ஆப்பஸ் மேச்சிங் நாம் ஜங்கல் பி வைசி மேச்சிங் காதம் சுன்சான் அக்கேலே. तो जो वो कुछ देर पहले मैं बेयर गिल्स की बात कर रहा था तो वो वैसे ही कुछ उससे ज़्यादा कुछ अनुभूति हो रही है। नर्मदे है नर्मदे है। अभी इस जंगल में अगर अजीब सी आवाज़ आ जाए तो क्या होगा सोच रहा हूँ। बस इस बात का विश्वास है कि मैया जब सब जगह है, ईश्वर सब जगह है, तो यहाँ भी होगा ही। और जब ईश्वर सब जगह है तो फिर डर किस बात का।
पर कभी कभी ईश्वर भी मजे लेने लगते हैं तो अपने लेने के देने पर जाते हैं। नर्मदी नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है। अभी इतना एक्साइटमेंट हो रहा है कि क्या बताऊं, बताते नहीं बन रहा है। नर्मदी है नर्मदी है। ये तो अच्छा हुआ मैं अकेले आया हूँ, मेरे साथ के जो लोग थे अगर वो साथ में आते तो उनको तो क्या फील होता भगवान ही जाने। मुझे जंगलों में रहने की और घूमने की का अभ्यास है थोड़ा, चित्रकूट के जंगलों का, इसलिए मैं यहाँ पे आनंद से चल रहा हूँ। जिसे जिसे जंगल नहीं देखा जाता या अकेले कभी नहीं गया है तो उससे तो यहाँ पे भगवान के सिवा कोई नहीं याद आएगा, क्योंकि जंगल ही ऐसा है। बाप रे, और सबसे बड़ी बात पूरा जंगल बबूल का है, पूरा जंगल। और सोने पे सुहागा ये है कि चप्पल नहीं है, अकेले। वाह वाह वाह, निकले थे रोमांचकारी यात्रा पे, ये ज़्यादा रोमांच हो गया। नर्मदे नर्मदे, भैया भी कहती है बहुत रोमांच है ये ना, ले और ले। नर्मदे नर्मदे है, मगर फिर भी हर चीज़ का अपना एक आनंद होता है, तो वो जो रोमांच का आनंद होता है उसकी बात ही कुछ और होती है। एक्साइटमेंट वो सब अभी हो रहा है। नर्मदी है नर्मदी है, हमें ये भी नहीं पता अभी कितनी दूर जाना है। अब समझ में आया कि जो भैया ने नक्शा बना के दिया था, बताया था, वो लोगों को छोड़ने क्यों आते थे, क्योंकि जिसका अभ्यास नहीं है जंगलों का वो तो पार ही करने में उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसी वजह से वो आते थे साथ में छोड़ने, पार कराने, जहाँ से तक गांव आ जाए। पर उन्होंने मुझे शायद अब क्या देखा कि नक्शा बता के छोड़। क्या नाम है इसका? बेबलो। बेबलो चार। कितनी दूरी पे है भैया? अभी आगे कितनी दूरी पे है मंदिर? मंदिर आगे है। आगे, ठीक ठीक, नर्मदे है। नर्मदे है नर्मदे है। नर्मदे है नर्मदे है। मैं यही कह रहा था कि जिसने कभी ज़्यादा जंगल नहीं देखा हो उसके लिए तो ये बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाला जंगल है, क्योंकि मैं चित्रकूट के और कई जगह के जंगलों में काफ़ी टाइम बिताया है, अकेले बहुत रहा हूँ, घूमा हूँ, देखा हूँ, इसलिए विशेष ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर जंगल रोमांचकारी है, था नर्मदे है नर्मदे है, ख़ास तौर पर अकेले व्यक्ति के लिए। नर्मदे है नर्मदे। अभी थोड़ी दूर पे ही है, बस आ ही गया। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये रहा भूतनाथ का मंदिर, भूतनाथ महादेव का मंदिर। नर्मदे।
சுந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே. கூழியற்கோன் வெற்பொழித்த புகழியற்கோன் கடல் போற்றி ஆழிமிசை அணிந்தவிரான் அடி போற்றி வாழி திருநாவலூர கண்கொண்ட பதம் போற்றி திருவாத ஊர திருத்தாள் போற்றி தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளபதியா மனம் தரும் தெய்வ வடிவும் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமிலா இனம் தரும் நல்லன எல்லாம் தரும் கணம் தரும் பூங்குழலால் அபிராமி கடை கண்களே. ये अच्छा खासा पड़ा ये नील गाय है कि हिरन है? यही है ना, नरवती है, नरवती है। देखिए नील गाय यहाँ पे बच्चे एक और काफी थोड़ी दूर पे खड़ी है ये बच्चा, इसका नर्मदी है, नर्मदी है। ये नील गाय बोलते हैं हमारे तभी से। ये जंगली गाय होती है, इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, बहुत तेज दौड़ती है और काफ़ी ऊंची छलांग लगा लेती है। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। यहाँ की ये नर्मदी है, नर्मदी है। एक कबूतर आसम चलिए दर्शन करते हैं। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। हनुमान जी जय हो बजरंग बली, 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 जय हो बजरंग बली। जय हो बजरंग बली। बजरंग बली की पुरानी पत्थर की मूर्ति है। नृपति है, नृपति है, नृपति है। हनुमान चालीसा गणपति है। ये भूतनाथ महादेव जिनके दर्शन के लिए इतनी दूर से आए हैं। गणपति जय हो महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये भूतनाथ के महादेव जी, गणेश जी, मैया पार्वती, नर्मदे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए ये भी शिवलिंग ऐसे ही हैं पुराने, जो पुराने होने के सबूत होते हैं वो ऐसे ही शिवलिंग होते हैं। और बाकी जो ये देखिए ये थोड़ा चिकने हैं, नए हैं, इसके बाद के हैं। ये स्वयंभू में भी आते हैं और लंबे पुराने होने के का सबूत भी में भी आते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी पुराने में से ही हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव। देखिए मंदिर काफी पुराना है,
जय हो महादेव, जय हो महादेव। यहाँ पे तीन शिवलिंग हैं। जय हो महादेव। गणपति गणपति जय हो महादेव। गणपति महाराज कश्यप जय हो महादेव। ये भूतनाथ महादेव मंदिर का आश्रम है। यहाँ पैकमावासी की रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। नरपति है, नरपति है। देखिए एकदम व्यवस्थित हर चीज़ है यहाँ पे। आप यहाँ पे अच्छे से रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नरपति है, नरपति है, नरपति है। देखिए कितना सुंदर बढ़िया आश्रम है। नरपति है, नरपति है। नर्मदी है, नर्मदी है। देखिए अभी तक हम पंचकोसी पैकमा की आश्रम आपको दिखाएं, कितने सुंदर और बड़े अच्छी जगह, काफ़ी जगह है। और ये देखिए भूतनाथ महादेव में भी का आश्रम, काफ़ी बड़ी काफ़ी अच्छी जगह, दर्शनीय घूमने वाली जगह। नर्मदी है, नर्मदी है। आश्रम तो बहुत बड़ा है, हमने सोचा था। देखिए झूला भी डला हुआ है। ये जंगल का वन विभाग का ऑफिस है। देखिए अभी यहाँ पेड़ भी खूब लगे हुए हैं। बहुत अच्छा, देखिए लाइट बड़ी, बहुत सुंदर आश्रम है। बहुत हरा भरा है, पेड़ लगे हैं। अभी पेड़ बहुत सारे लगाए गए हैं, नए हैं। ये जब ये बड़े हो जाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। नर्मदी है, नर्मदी है। और ये वन विभाग का ऑफिस कह सकते हैं, वो ऑफिस ही है। अभी ज़्यादा कभी कभार कोई लोग आ जाते हैं। और ये पूरा जंगल ही है, जंगल के बीच में ये आश्रम है। बहुत सुंदर, बहुत आनंददायक। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जंगल के बीच में ये सुंदर आश्रम। और ये यहाँ के पहरेदार चौकीदार नर्मदी है, नर्मदी है। नर्मदी है, नर्मदी है। ये कुंड पांडवों के समय का बताया जाता है कि यहाँ पे पांडवों ने चारों तरफ खारा जल था, तो यहाँ पे ये कुंड बनाया मीठे जल का। नर्मदी है, नर्मदी है। अब ऐसा तो नहीं है पानी, तो पानी ही नहीं है, पर ये कुंड बहुत पुराना है। नर्मदे है, नर्मदे, नर्मदे है, नर्मदे है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ शिव जी की स्थापना की गई है। नर्मदे है, नर्मदे, ओम नमः शिवाय। ये कुंड कभी यहाँ मीठे पानी का कुंड था, जो पांडवों के द्वारा बनवाया गया था। नर्मदे है। अब ये नहीं पता है कि ये शिवलिंग उनके टाइम में स्थापित किया गया था कि ये बाद का है, पर देखने पे तो ऐसा लगता ही है कि पुराना ही है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ओम नमस्ते, ओम नमस्ते, ओम नमस्ते। क्योंकि ये पुराने शिवलिंग जैसा ही है। ओम नमस्ते, ओम नमः शिवाय। इसे यहाँ का महत्व वैसे भी ज़्यादा ही बताया गया है, रुकने का महत्व भी बताया गया है। नर्मदे है, तो हम भी जंगल में एक रात गुजारते, यहाँ का आनंद लेते हैं। नर्मदे है, नर्मदे, नर्मदे है।
की मोर। ये बहुत नाचती है। देखिए नील गाय है और ये खाने के लिए आ गई है, बाजा खाती है। सबरी
जॉनी 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 नरवती है। देखिए एक एक पीछे खड़ी है, लूसी गई आ गई। ये बाकी भी आ गए। अब मुसीबत। अरे बाप रे, सीताराम 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 सीताराम। सार गाय बाकी वो ये पालतू हैं और वो जंगली हैं, तो मगर वो भी आ जाते हैं और ये भी आ जाते हैं। देखिए उसके आगे मोर भी हैं, उधर बैठे हैं। और उधर भी मोर बैठे हैं। गणपति देखिए जंगल के आनंद, कितने ढेर सारे मोर एक साथ बैठे हैं। ये देखिए नर्मदे है, नर्मदे है। इधर भी ढेर सारे मोर बैठे हुए हैं। देखिए ये जंगल के आश्रम है, तो यहाँ पे जानवर वो भी जंगली भी उसी तरह हैं जैसे पालतू जानवर हैं। देखिए एक भाग रही है, ये सुंदर मोर है। देखिए प्रकृति का आनंद, जंगल का बड़ा अच्छा, चारों तरफ मोर ही मोर हैं। मैं देख रहा हूँ चारों तरफ ढेर सारे मोर, और नीलगाय भी है। यहाँ मोर की तो भरमार है। जिधर देखिए उधर ही मोर मोर बैठे हुए हैं। देखिए मोर ही मोर हैं।
नर्मदे नर्मदे, बड़ा आनंददायक है, बहुत आनंददायक आश्रम है ये भूतनाथ महादेव नर्मदे नर्मदे। यहाँ भी मोर ही मोर हैं, चारों तरफ मोर ही मोर। इतने ढेर सारे मोर एक साथ एक जगह होना बड़े आनंद की बात है, बहुत सुंदर बहुत आनंद आ रहा है इस आश्रम में। नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है। नर्मदे है नर्मदे है, ये जंगली सुअर हैं। इसमें से दो बड़े जो सुअर हैं इनके दांत आगे के लिए निकले हैं, इनके दांत आगे की ओर निकले हैं बाहर, जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है दांत ही है। जितने बड़ा के दांत होते हैं आगे, तो जो पालतू सुअर होते हैं उनके नहीं होते हैं, जो जंगली होते हैं उनके दांत आगे निकले थे। ये देखिए दांत नर्मदी है नर्मदी है, जो बड़े हैं उनके निकले हुए हैं, जो छोटे हैं उनके नहीं। यह भूतनाथ आश्रम है जंगल के बीच में, तो वहाँ का ये है कि सारे जानवर आते हैं दिन में भी रात में भी। नर्मदी है नर्मदी है, ये देखिए दांत सुअर के आगे। नर्मदी है नर्मदी है, ये रात का दृश्य है यहाँ का। नर्मदी है नर्मदी है, बहुत ही सुंदर, रात में भी वैसे ही। नर्मदी है नर्मदी है, नर्मदे है नर्मदे है। हम जिस जंगल से दोपहर में आए थे उसी जंगल से अभी जा रहे हैं समुद्र देखने, समुद्र का बढ़ा हुआ पानी। नर्मदे नर्मदे है नर्मदे है, अभी भूतनाथ महादेव के आश्रम में रुके हुए हैं और यहाँ से 1.5 किलोमीटर पर समुद्र है और वहाँ पानी रोज बढ़ता है, तो वही देखने जा रहे हैं। नर्मदे नर्मदे है, अच्छा यहाँ से पानी जाता था। मैंने सोचा कि इतनी अच्छी नाइट की जंगल की जर्नी कैसे छोड़ दूं, इसीलिए मैं भी साथ में जंगल में टहलने आ गया, वो भी रात में। नर्मदे नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है, ये नाइट सफारी हो रही है। नर्मदे नर्मदे है, जिस थोड़ा जंगल की तरफ लाइट घुमाना, इधर घुमाना लाइट, दिखा पता चलता रहे जंगल में ही। नर्मदे है नर्मदे है, ये नर्मदे है, बस 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 है। नहीं महाराज जी, मेरा कहाँ से आएगा, ये लोग है कौन।
ये भूतनाथ महादेव जी का जंगल है। नरपति है। ये देखिए भूतनाथ महादेव, और इधर ये जंगल। नरपति है। हाँ, ये समुद्र के किनारे का पोर्ट, ये पत्थर का बना हुआ केवल रास्ता ही है, और अभी पूरा वो नहीं हुआ। नरपति है। तो हम रात में 10:30 बजे आए हैं पानी की बाढ़ देखने, समुद्र की कि कैसी होती है लहरें, और वो अब वो भी भूतनाथ मंदिर का जंगल पार करके। नरपति है। अभी 12 बजे तक लौटेंगे भी। नरपति है। ये हम समुंदर के किनारे बैठे हैं रात में 11 बजे, ऐसे ही समुद्र खोरी करने आए हैं। नरपति है। चेहरे तो नहीं दिखेंगे अंधेरे की वजह से। नहीं नो देखो, हाँ ये देखिए। नरपति है। ये देखिए, ये देखिए हमारा गुरुजी है। एक एक करके दिखाओ। बस ये ऊपर अब उधर। ये हमारा मेन गुरुजी हैं। ये सब समुद्र किनारे आए हैं, पैकमवासी हैं, समुद्र के दर्शन करने आए हैं, सब मगर लेट हो गए हैं इसलिए अब नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो पानी चला गया। नरपति है। हम अभी भूतनाथ आश्रम में हैं, भूतनाथ महादेव के आश्रम में, और ये बहुत सुंदर आश्रम है। यहाँ पे पशु पक्षी जीव जंतु बहुत आसानी से दिख जाते हैं क्योंकि ये जंगल के बीच में है। आप भी देखिए नरपति है। देखिए मोर, कितने ढेर सारे मोर। देखिए झूला झूलता है मोर। झूले में बैठे आनंद ले रहा है। नरपति है। ये इनको देखो, ये पीछे लगे हम सोचे कौन है। अरे राम राम। नरपति है। बहुत सुंदर आश्रम, चारों तरफ कबूतर, मोर, नील गाय। देखिए नील गाय है ये, और मोर लोग का झुंड, कितने मोर बैठे हैं। नरपति है। नहीं, देखिए इधर भी मोर ही मोर बैठे हैं, ये मोर बैठे हैं। आश्रम में मोर गाय रहते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही आनंद आता है। नरपति है। पूरा जीवंत आश्रम। नील गाय
जो कल आए थे यहाँ पे भोजन करने के लिए। गणपति गणपति बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंददायक आश्रम है ये। जब भी आप आए इधर तो भूतनाथ के मंदिर आश्रम जरूर आए। यहाँ पे पैगम वासियों की रुकने के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था है और आपको सुंदर ऐसे नज़ारे दिखने को मिलेंगे, मोरों से भरा हुआ। जी कैमरे में ऐसे दिख रहा है, सोचिए सही में कैसा होगा, कितना आनंददायक होगा। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। यहाँ पे रुकने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी ज़्यादा जगह है, दो तीन कमरे हॉल बना रखे हैं पैकमवासियों के रुकने के लिए। नर्मदे है बड़ा सी जगह है, हर चीज़ की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप यहाँ पे रुक सकते हैं, एक या कई दिन रुक सकते हैं। नर्मदे है नर्मदे है। देखिए यहाँ हर तरफ मोर ही मोर आपको दिखेंगे, हर तरफ मोर मोर। जिधर भी देखेंगे आपको मोर ही मोर दिखेगा। इनको मोरों को देख के बड़ा आनंद आ रहा है और ये कुत्ते भी ढेर सारे हैं, बहुत सारे कुत्ते हैं यहाँ पे, इतने कम से कम 10-15 कुत्ते हैं और उनके बच्चे हैं। नर्मदे 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 है। ये देखिए नर्मदे है नर्मदे है। ये यहाँ की रसोई, ये बाल बोल बन रहा है, चाय एकदम रेडी है। नर्मदे हर महाराज नर्मदे हर, देखिए तो नर्मदे हर रसोई यहाँ पे। सारी व्यवस्था है, ये गौशाला, नर्मदे ये यहाँ का बगीचा, इसमें ढेर सारे आम नींबू जामुन कई तरह के पेड़ लगे हैं। नर्मदे नर्मदे है। और ये नर्सरी भी लगी हुई है, ये छोटे पौधे जो जिनको मोर और खा जाते हैं उनके लिए ये व्यवस्था कर रखी है। बहुत अच्छी सुविधा, बहुत सुंदर आश्रम है, आप आओगे बहुत आनंद आएगा। नर्मदे 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 है। नर्मदे है नर्मदे है। ये कितने ढेर सारे मोर, ये भूतनाथ महादेव के आश्रम का दृश्य है।
नरपति हर। ये एक मंदिर है शायद, यही माखनेश्वर महादेव के नाम से है शायद, क्योंकि उसके आगे यही नाम से मंदिर आता है। अब चल के देखते हैं। नरपति हर। देखिए जंगल में कितना सुंदर आसमा मंदिर। नरपति हर। कोई है नहीं है, देखिए पेड़ सुंदर सा लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। इसमें ताला लगा हुआ है पर है बहुत सुंदर सा आश्रम। नरपति है।